अच्छा एक चीज सच बताना मेरे दोस्त, कि अगर आप रात दिन मेस्टरवेशन कर रहे हो, आप रात दिन हस्तमैथुन कर रहे हो, और उसके जो भी कुछ नुकसान होते हैं तो उसके जिम्मेदार कौन होता है? मैं? मुझे जिम्मेदार ठहराओगे या अपने आप को? पहली चीज तो इस बात को कमेंट कर देना कि आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे। आपने अपने आप को मिटाया है, अपने आप को ख़त्म किया है, तो इसका जिम्मेदार कोई और हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं हमेशा अच्छी वीडियो को ही सजेस्ट करता हूँ कि मेरे दोस्त आप कोई मोटिवेशनल वीडियोज देखो, आप कोई अच्छी अच्छी वीडियो देखो जहाँ से आपकी लाइफ बन सके। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही मोटिवेशनल वीडियो देखो, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसी भी वीडियोज पड़ी हैं जो आपकी लाइफ जिंदगी को भी बदल सकती हैं, तो उन लोगों को भी फॉलो करो, उन लोगों को भी देखो, जरूरी थोड़ी मुझे देखो। अब आप रात दिन 12 साल मेस्टरवेशन किए, 10 साल मेस्टरवेशन किए, ठीक है, आपका शरीर पूरा कमजोर हो गया, लाचार हो गया, आपने अपने आप को खत्म कर दिया ऐसा मान लो, और अब आप जिम्मेदार किसको ठहराओगे? अपने आप को ही ना। तो एक भाई का कहानी सुन लो, ध्यान से समझना। एक भाई मेरे पास तकरीबन 8 दिन से फोन कर रहे हैं, 8 दिन से, ध्यान से समझना, 8 दिन से, और उनका सिर्फ एक सवाल है कि मैंने मेस्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया और मेरा मेस्टरबेशन का लत अभी भी छूट नहीं रहा है दिनेश भाई, और मैं अपने आप को सच में बर्बाद कर चुका हूँ, उसमें दो राय नहीं है, मेरे पास अब खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, जो भी कुछ था मैंने खो दिया है। तो मैंने कहा मेरे दोस्त जो भी कुछ था खो दिया, ठीक है, गलतियां हो गई, उस पर क्यों अब चर्चा करना? चर्चा अब इस पर करो कि हमको उसको रिकवरी कैसे करना है, हमको मेस्टरबेशन की गलत लत को छोड़ना कैसे है, हमको बुरी संगत में कैसे नहीं रहना है, इन सब बातों पे अब विचार करो, ना कि इस चीज़ को लेकर रोना रो। तो उसने कहा दिनेश भाई कुछ बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा ब्रह्मचर्य फॉलो करो यार, सुबह में उठो, मेडिटेशन योग करो, रनिंग करो, कपालभाति करो, तामसिक आहार से मुक्त हो जाओ, अच्छी खासी खाना पानी खाओ, पियो दूध दही मक्खन, ये सब चीजों पे फोकस करो, मीट मछली ये सब त्याग दो, अगर मांस मदिरा का सेवन करते हो उसको त्याग दो, दारू गुटखा शराब खैनी ये सब का सेवन करते हो तो इसको भी त्याग दो, अच्छी अच्छी चीजों पे फोकस रखो। तो उसने कहा दिनेश भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी बातों को, ध्यान से समझना, आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं समझा। फिर यहाँ तो उसने क्या किया, रात को तकरीबन 9:30 बज रहे थे, मैं वीडियो वगैरह एडिट उडिट करके आप सब लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उसको मैं रिप्लाई करने की कोशिश कर ही रहा था कि फिर मेरे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आने लगे। मैंने वीडियो कॉल रात में, यार मैं सो रहा था अपने बेड पे था, वीडियो कॉल मैंने उसका डिसलाइन कर दिया। मैंने कहा यार इतनी रात को कैसे वीडियो कॉल पॉसिबल है, हालांकि मैं वीडियो कॉल ऐसे ही नहीं बतवा, मैं ऐसे वीडियो कॉल नहीं बात करता जब उसके लिए मुझे लगता है कि ये भाई संभव है, जरूरी है बात कर लेना, तो मैं कर लेता हूँ। वो व्यक्ति बहुत नाराज़ हो गया, उसने बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें मेरे व्हाट्सएप पे चैट करके रख दी उसने। अब सोचो मेरी कोई गलती नहीं, ये आपका भाई जिसको आप गुरु मानते हो, जो आपको हर दिन मोटिवेशन देता है, आपके लिए सच में कुछ भी कर देता है, कहीं पे भी रहता हूँ, कहीं पे किसी के भी साथ रहता हूँ, कोई भी काम करूँ, कुछ भी करूँ, सारे कुछ कामों को छोड़ करके मैं ये सोचता हूँ एक बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो अपलोड किया जाए, भले ही व्यूज 2-4 के आते हैं, ये जान लो मेरे दोस्त, कोई लाखों की अर्निंग नहीं होती मेरी इस चैनल से, ये सब माइंड में मत रखना। सिर्फ मेरा एक मानसिकता है कि मैं डाल दूँ 2-4, 6,000, 10,000 लोग देखेंगे, कम से कम उनको तो कुछ सीख मिलेगा, वो तो अपने आप को संवार सकेंगे, बदल सकेंगे, और ऐसे लोग सोच रहे हैं, अपने आप को उन्होंने बर्बाद किया, अपने आप को सुधार नहीं पा रहे। मैंने कहा ब्रह्मचर्य कर लो, मेस्टरबेशन छोड़ दो, वो बातें उनको समझ में नहीं आ रही हैं। अब उनको समझ में आ रहा है दिनेश भाई को गाली दे देना चाहिए, उनको समझ में ये आ रहा है दिनेश भाई को ऊपर गुस्सा हो जाना चाहिए, मैं उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया तो उसके लिए भी उनको नाराज़गी है, उनको ये टेंशन नहीं है कि दिनेश भाई ने बता दिया जो करना वो मैं करना शुरू करूंगा, मैं बदलूंगा। उनका मतलब है 3 घंटा मैं उनसे फ़ोन पे लग जाऊं गर्लफ्रेंड की तरह, हेलो हाँ आए कैसे करना है, ये थोड़ी सी पॉसिबल है यार, हजारों लोगों की कॉल पूरे दिन में आते रहते हैं, कितने लोगों से मैं बात करूंगा, मर जाऊंगा मैं, मेरी भी ज़िंदगी है, परिवार उरिवार नहीं है क्या मेरे पास, बीबी बच्चे उनको भी टाइम देना पड़ता है मेरे दोस्त 2-4 घंटे के लिए, आप ही लोगों के लिए नहीं जीना है सिर्फ, और भी फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी देखना पड़ता है, ये चीज़ आप जानो, अगर एक फैमिली प्रॉब्लम से आप भी परेशान हो तो आप समझ सकते हो दिनेश भाई किस परिस्थिति से गुजर रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये सारी चीज़ें होती, इसमें नाराज़गी की बात नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ ना दुर्दशा मत करो शरीर की, ऐसी की तैसी मत करो। अगर कोई व्यक्ति आपको यूट्यूब पर ये कह रहा है ना मेस्टरबेशन करना जायज है भाई, तो मैं उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपके लिए कहूँगा, क्यों? क्योंकि आप तो देख ही रहे हो ना मेस्टरबेशन के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, तो फिर क्यों उसको फॉलो कर रहे हो यार, क्यों उसको देख रहे हो? वो तो उसका काम है व्यूज छापना, हो तो कुछ ना कुछ करके उल्टा पलटा चीज़ें गुमराह करेगा, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि जो वीर बनने में महीनों लग जाते हैं उसको मैं रोज़ जब खाली करूँगा तो 40 साल तक तो वीर का निर्माण होता है शरीर में, उसके बाद निर्माण भी बंद हो जाएगा शरीर में वीर बनना, तब क्या करोगे आप?
ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, धीरे धीरे करके मुझे फॉलो करके रखना, सब कुछ मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके मेरे दोस्त। बस इतना जानो, शरीर की दुर्दशा और कमजोरी सत्यानाश से बचना है तो पहले मास्टर व्यसन छोड़ो, सबसे बड़ी चीज़ है, छोड़ दो इसको। लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हो चुके हैं, अपने आप को कर्ज भी चुके हैं, तो इसको छोड़ दो अगर ज़िंदगी संवारना है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना। मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कॉन्टेंट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।